कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं ये कामना करती हैं कि किसी भी कारण से उन्हें अपने पति का वियोग न सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करके भगवान शिव और माँ पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं और सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करती हैं। सरगी में मिठाई, फल, पूड़ी आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर श्रीफल रखकर कलावा बांधा जाता है। वह दूसरे मिट्टी के करवे को लेकर उसमें जल भरकर ढक्कन से शक्कर भरकर उसके ऊपर दक्षिणा रखी जाती है। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत व पुष्प चढ़ाकर करवा माता का पूजन करके पूजा के उपरांत भक्ति पूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा श्रवण करके वाचन किया जाता है। तत्पश्चात रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच स्नेह और विश्वास के प्रतीक का पर्व है। इस व्रत को आडंबरों से रहित श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। आइए चौथ माता का ध्यान करके बड़ी ही श्रद्धा से करवा चौथ के लिए प्रचलित दो कथाओं का आनंद लेते हैं। बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ का आपको महत्व बताते हैं, महत्व बताते हैं, इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करवा चौथ का आपको महत्व बताते हैं, महत्व बताते हैं, इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जब आए, प्रेम और विश्वास का ये पर्व मनाया जाए। सुहागिनों के लिए ये दिन होता है बड़ा खास, हार श्रृंगार करती खूब और रखती उपवास। बड़े कठिन है नियम व्रत, ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं, इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। जीवन बिता रही तुंगभद्रा नदी के पास, नदी किनारे एक दिन वो दोनों जाते हैं, दोनों जाते हैं, इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया।
भाए, कर लो स्नान शीतल जल में उसके मन में आए। करवा को इच्छा बतला कर करने लगा वो स्नान, मगर मच्छ ने पैर पकड़े मुट्ठी में थी जान। सोच पति के अब तो प्राण बचना पाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। रक्षा के लिए अपनी पत्नी को वो बुलाने लगा। इस घटना से करवा तो थी बिल्कुल अनजान, आवाज सुन के दौड़ी आई छोड़ के सारे काम। हालत देख के पति के नैना नीर बहाते हैं। इस पावन त्योहार की सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियाँ लाया। था काम लिया कच्चे धागे से, मगर को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व से मगर तो हिल ना पाया, समझ गया वो प्राण गए संकट में वो आया। पतिव्रता में होती शक्ति पुराण बताते हैं। इस पावन
पाप की चिंता होने लगी। सती स्त्री की बातें यम भी टाल न पाते हैं, टाल न पाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। समृद्धि और वैभव का यम ने दिया वरदान। कहने लगे यमराज जो मन से तुमको ध्याए, उस पर हो कृपा मेरी सौभाग्य वर वो पाए। ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। जिस दिन ये घटना घटी वो दिन तो बन गया खास। चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की थी और कार्तिक मास। करवा चौथ पे जो कथा भक्तों सुनाई जाती, जिसको सुन के सुहाग ने फूली नहीं समाती। कथा से पहले गणपति जी का ध्यान लगाते हैं, पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग
मुश्किल का समाधान। कई बार मोह में बड़ी गलती सब कर जाते हैं, सब कर जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। प्रकाश किया, बहना ने भी चांद समझ कर अर्घ दे दिया। भोजन कर लिया बहना ने, व्रत फिर भंग हुआ। पति उसका बीमार पड़ा, धन सब नष्ट हुआ। अपने करने पर तब वो बड़ा पछताते हैं, बड़ा पछताते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। चतुर्थी व्रत बहना ने गणपति जी मनाए, बिना गलती के श्रद्धा पूर्वक व्रत को वो पुगाए। गणपति जी प्रसन्न हुए, पति फिर स्वस्थ हुआ। धन वैभव ऐश्वर्य का उसे वरदान दिया। गणराज के पूजन से सब सुख मिल जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। सुहाग पर्व है आया, संग में खुशियां लाया। पत्नी का रिश्ता न्यारा होता। मीनाक्षी कुंडू के मन में उमड़े ये चाहत, सुहाग बना रहे सबका जोड़ी रहे सलामत। करवा माता के चरणों में शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। इस पावन त्योहार की कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं। सुहाग